हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नंबर एक्स। इस वीडियो में हम लोग प्रूव करेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। इसको आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन वाली आइडेंटिटी से भी प्रूव कर सकते थे, लेकिन मैं इसमें इंडिपेंडेंट प्रूफ देने वाला हूँ। इसको प्रूव करने के लिए मैंने ट्रायंगल एबीसी कंस्ट्रक्ट किया है, जिसमें एंगल बी का मेजर है 90 डिग्री और एंगल सी का मेजर है थीटा। इस ट्रायंगल से यदि हम सेक थीटा कैलकुलेट करें तो सेक थीटा हो जाता है एसी अपॉन बीसी, क्योंकि ये कॉस का रेसिप्रोकल होता है। फिर टैन थीटा मैं कैलकुलेट करूँगा, टैन थीटा होता है अपोजिट ओवर एडजेसेंट, इसमें ए बी बाई बी सी हो जाएगा। क्योंकि मुझे लेफ्ट हैंड साइड में सेक स्क्वायर और टेन स्क्वायर वाला टर्म चाहिए, तो मैं स्क्वायर करूँगा दोनों को। यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा में कैलकुलेट करूँ तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर, और टेन थीटा का स्क्वायर लूँ तो ये आएगा टेन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर। अब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा सेक स्क्वायर थीटा में से टेन स्क्वायर थीटा, ताकि मुझे लेफ्ट हैंड साइड मिल जाए। तो इसको मैं करूँगा तो मुझे मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर, विच इक्वल्स बी सी स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और ये रहेगा ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। और पाइथागोरस थ्योरम अभी अप्लाई करेंगे आप कि ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। इसको हम लिखेंगे बी सी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। इस तरह से हमने प्रूव कर दिया कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन को कैसे प्रूव करेंगे इंडिपेंडेंट मेथड से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।